हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक्सेल के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन फार्मूले कवर करेंगे, जिस काउंट, काउंटर और काउंटी फार्मूले के बारे में जानेंगे। दोस्तों, काउंट फार्मूला क्या काम करता है? केवल नंबर को काउंट करता है, जबकि काउंटर फार्मूला नंबर और सिंबल दोनों को काउंट करता है। और दोस्तों, काउंटी फार्मूले से हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एंट्री हुई है जिसके अंदर एक नाम कई बार आया हुआ है, एक यूनिट कई बार हुई है, एक डेट कई बार आया हुआ है, जिससे हम लोग इस फार्मूले से आसानी से काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, काउंटी फार्मूले के माध्यम से ही हम लोग काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसके अंदर ढेर सारे मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट की एंट्री हुई है, और हम आसानी से पता कर सकते हैं कितने दिन कौन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर आपके तो जैसा हमने कहा था कि सबसे पहले हम काउंट और काउंटर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ एंट्री की हुई है, नेम और यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक आध जगह ब्लैंक छोड़ा है और कुछ जगह सिंबल्स यूज किए, जैसे एट द रेट और हैश का यूज किया हुआ है, और फिर काउंट एंड काउंटर का रिजल्ट भी निकाला हुआ है। अब आप देखिए एक प्रकार से कि काउंट की जगह, जैसा हमने बताया था कि काउंट फार्मूला केवल और केवल नंबर को काउंट करता है, जबकि काउंटर फार्मूला नंबर और सिंबल दोनों को काउंट करता है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे एक दो तीन चार जगह, चार सेल में नंबर की एंट्री, इसके यहाँ पे नंबर दे रहा है, जबकि काउंटर फार्मूला में देखिए नंबर और दो जगह सिंबल है, इसके अलावा जगह नो सेल भी है, और टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों को पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ। चलिए, फिर इक्वल टू साइन लगाता हूँ, काउंट टाइप करता हूँ फार्मूला। काउंट टाइप करने के बाद कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज दे रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका इसको ड्रैग कर लेंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 400 कर रहा है। इसके अलावा फिर हम यहाँ टाइप करेंगे काउंटर, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर से इस रेंज को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 एंट्री है, इसलिए यहाँ पे 7 दिखा रहा है, एक ब्लैंक है, नहीं दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए रिजल्ट हमारा चेंज हो गया है। इसके अलावा चलिए मैं एक बार एंट्री करके दिखा देता हूँ, अब इसमें कुछ एंट्री कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई 5, और अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम काउंट ई फार्मूले की तरफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कुछ एंट्री की हुई है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करती है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऑफिस बनाया हुआ है और उसके यहाँ कई लोग वर्कर काम करते हुए हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम, डेट, यूनिट और कास्ट ऑफ मोबाइल। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से सेल कर रहा है, तो हमने यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। मैंने क्या काम किया हुआ है, कई नाम को, कुछ नाम को कई बार एंट्री किया हुआ है, या कुछ प्रोडक्ट को, कुछ डेट को, कुछ यूनिट को, कुछ कास्ट ऑफ मोबाइल को। अब हमें क्या काम करना है, काउंटी फार्मूले से क्या काम होता है कि कौन सी संख्या या कौन सा नाम या कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार आया है, कितनी बार यूज में आया है, उससे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे राम की मैंने एंट्री की हुई है, काउंटी फार्मूला लगाया, राम 4 बार आए हैं, देख लीजिए आप 1, 2, 3 और 4। चलिए हम क्या काम करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे सम इफ, सॉरी काउंटिंग, इक्वल टू काउंट इफ। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ रेंज मांग रहा है, तो हम नाम निकाल रहे हैं राम वाला, इसलिए हम नेम रेंज लेंगे। पूरा रेंज लेने के बाद कामा, और फिर यहाँ मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया पे जाने के बाद राम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो राम पे क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे राम 4 बार आए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया। चलिए ऐसे ही प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, फिर से इक्वल टू साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे काउंट इफ, कोष्टक लगाएंगे। अब दे रहा है रेंज, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट नोकिया दे रहा है, इसलिए हम पूरा प्रोडक्ट का रेंज ले लेंगे, फिर कामा लगाएंगे और नोकिया पे क्लिक करने के बाद पोस्टर बंद करने के बाद फिर इंटर कर देंगे 3 बार। इस तरीके से आप आगे इन सबको भी काउंट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं काउंट इफ से ही रिलेटेड कुछ और। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया हुआ है, सेटअप बनाया हुआ है, कि सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप इस एज अब ऑफिस में काम कर रहे हैं, और क्या है कि वहाँ पर स्टूडेंट है या एम्प्लॉई मान लीजिए, या कि कुछ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, और उसको हमको आसानी से फाइंड करना है कौन कितने दिन प्रेजेंट है और कौन कितने दिन एब्सेंट है। तो
तो आप इस तरीके से सेटअप बना लेंगे। सेटअप बनाने के बाद जिस दिन वो प्रेजेंट होता है उस दिन पी प्रेस कर देंगे, जिस दिन एब्सेंट होता है उस दिन हम ए टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट मैंने काउंट भी किया हुआ है। आप चाहें तो अगर वेजेस भी देना चाहें, जिस दिन जितने दिन से आए हुए उस हिसाब से वेजेस भी निकाल सकते हो। चलिए मैं लास्ट में निकाल देता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ प्रेजेंट निकालता हूँ, इक्वल टू और टाइप करेंगे काउंट इफ COUNTIF। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो गया, कामा लगाएंगे। अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया। तो हम प्रेजेंट निकाल रहे हैं और हम यहाँ पे पी टाइप करेंगे। कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। हमारा 25 दिन हो गया। फिर से मैं निकाल के एक बार चेक कर बता देता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ कोष्टक लगाएंगे और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद डबल इंवर्टेड कामा के अंदर पी, फिर डबल इंवर्टेड कामा बंद और कोष्टक बंद, फिर इंटर। देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और पूरी एंट्री कर लेता हूँ। आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंट्री की है यहाँ पे 31 मार्च तक है और यहाँ पे मैंने 1 मार्च से एंट्री करना शुरू किया है, तो कुल महीने में हो गए 31 दिन, जिसमें 4 संडे हैं और संडे को इस तरीके से मैंने रेड शो करा दिया हुआ है, 0 है, इस दिन ऑफ है मान लीजिए ऑफिस। आप चाहे तो ऑफ एंट्री कर सकते हैं, जो चाहे आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने इसको बस डिस्प्ले करने के लिए 0 कर दिया हुआ है और रेड कलर में कर दिया हुआ है। चलिए एब्सेंट निकालते हैं, इक्वल टू COUNTIF कोष्टक लगाएंगे, फिर यहाँ से हम पूरा क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया को। एरिया को सेलेक्ट करने के बाद फिर कामा लगाएंगे, डबल इंटेड कामा के अंदर ये टाइप करेंगे फॉर एब्सेंट, फिर डबल इंटेड कामा बंद, फिर कोष्टक बंद और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 25 दिन प्रेजेंट है और 2 दिन एब्सेंट है, 27 दिन और 4 संडे है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इंडिकेट किया हुआ रेड कलर में, तो 31 दिन हो गया। चलिए फिर से इसको हम क्या काम कर लेते हैं, ऑटो फिल कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 27 दिन एंट्री हुई है, 4 दिन हॉलीडेज है, और अब इसको हॉलीडेज को भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे ऑफ डे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे COUNTIF कोष्टक लगाएंगे, ये पूरा रेंज ले लेते हैं। पूरा रेंज लेने के बाद कामा डबल इंटेड कामा के अंदर 0, फिर डबल इंटेड कामा बंद, कोष्टक बंद और इंटर। 4 दिन ऑफ है, इसको पकड़ के पूरा ड्रैग कर लीजिए, सब में 4 दिन ही ऑफ आएगा। आई होप कि पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। 25 दिन प्रेजेंट है, 2 दिन एब्सेंट है, 27 और 4 दिन महीने में 31 दिन। अगर आप वेजेस मजदूरी देना चाहें तो WEDS वेजेस आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे वेजेज हम 200 रुपये के हिसाब से मान ली देना चाहते हैं, तो इक्वल टू जितने दिन प्रेजेंट है उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 रुपीज़ से। तो इनकी जो आ गई वेजेज आ गई एक महीने की, कितनी आ गई 5,000, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। पास कोई क्वेरी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड है आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, इसके बारे में वीडियो हम जरूर बनाएंगे।